नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माय पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं आपके लिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो आपका करंट अफेयर्स है वो मंगलवार से लेकर रविवार तक आता है, सिर्फ सोमवार को आपको करंट अफेयर्स नहीं रहता, उस दिन हम लोग छुट्टी मनाते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बड़े गर्व की बात भी है कि मंगलयान जो अपने पहले प्रयास में ही मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था, इसरो की एक बहुत बड़ी सफलता थी और उसका एक रिजल्ट अभी सामने आया है कि उसने मंगल के चंद्रमा की तस्वीर ली है। तो इससे जुड़ी हुई बातें करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स की ओर, तारीख है 5 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे पहले न्यूज भी यही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मंगलयान ने मंगल ग्रह के नजदीक और सबसे बड़े चंद्रमा फोबस की तस्वीर भेजी है। मंगल के दो चंद्रमा हैं, एक का नाम फोबस है और जबकि दूसरे का नाम डेमोस है। मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर कैद की है। मार्स कलर कैमरे ने यह तस्वीर 1 जुलाई को कैद की थी, जब आपका मंगलयान मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर दूर था और फोबस से 4200 किलोमीटर दूर था। मंगल की पृथ्वी से दूरी 12 करोड़ किलोमीटर माना जाता है और माना जाता है कि फोबोस कार्बोनेशियस कोंड्राइटिस पदार्थ से बना हुआ है। यह कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, उसका ही एक एस्क होता है, तो इससे बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि फोबोस का निर्माण उल्का पिंडों के टकराव की वजह से हुआ था और फिर उसके बाद यह मंगल के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा है। तो मंगल ने तस्वीर मंगल आपके मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भेजी तस्वीर फोबोस की। इसरो ने यह भी बताया कि 6 मार्स कलर कैमरे फेस से ली गई एक समग्र तस्वीर है और उसके कलर को हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। इसरो के अनुसार फोबस पर एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है जिसे स्टिकनी नाम दिया गया है। यह बहुत पहले फोबस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बना होगा। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे गड्ढे तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इनका नाम स्लोवास्की, रोस और गिल्ड्रिंग रखा गया है। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपना मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, जो कि मंगल पर अपने पहले ही प्रयास में पहुंच गया था और ये वहां पर उसके काफी समय से 2013 से उसके चक्कर लगा रहा है। पहले इस मिशन को 6 महीने के लिए किया गया था, लेकिन फिर देखा गया कि इसमें इतना ईंधन मौजूद है कि इसका प्रयोग सालों तक किया जा सकता है, फिर इस मिशन की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया गया था। 2013 के बाद 2014 में यह मंगल की कक्षा में स्थापित हो गया था। अक्टूबर 2014 में यह मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था और तब से लगातार ये मंगल के जो खनिज है उनका अध्ययन कर रहा है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये पता लगाना था कि मंगल ग्रह पर मीथेन मौजूद है क्या, क्योंकि मीथेन अगर मंगल ग्रह पर मौजूद होती है तो इसका मतलब यह है कि मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना बनती है। इस पूरे अभियान में 450 करोड़ रुपए लागत आई थी, जो कि विश्व के अन्य अंतरिक्ष अभियानों की तुलना में देखा जाए तो काफी सस्ता था। इसको ये डेट जरूर याद रखिएगा कि मंगलयान मिशन कब भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 को। अगली जानकारी की तो चलते हैं, तो दवाओं की खोज के लिए एक हैकथॉन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 की शुरुआत की गई है। यह क्या है, कोरोना वायरस के दौरान वैक्सीन को खोजने के लिए या ड्रग को खोजने के लिए सभी लोग आगे हैं, उनको थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन हो और वो पूरी ताकत से इसके खिलाफ ड्रग को खोज करें, इस प्रतियोगिता की शुरुआत इसीलिए की गई है। तो यह ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन MHRD अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसे आप AICTE के नाम से जानते हैं, तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की एक संयुक्त पहल है। यह हैकथॉन COVID-19 की दवा की खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है। इस पहल के माध्यम से विश्व स्तर पर जो भी कंपनी कोरोना वैक्सीन को निर्मित करेगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह हैकथॉन दवा की खोज प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत को नए मॉडल स्थापित करने में मदद करेगा। इस माध्यम से SARS-CoV-2 की दवा को विकसित करने में तेजी आएगी। SARS-CoV-2 जो बीमारी है इसको माना जाता है यही आपकी COVID-19 है, इसको नाम दिया गया है SARS-CoV-2 क्योंकि इससे पहले SARS-CoV-1 जो था वो चाइना में फैला था। AICT की बात आई है तो AICT के बारे में बात करें तो AICT जो है यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत में नई तकनीकी संस्थाएं शुरू करने, नए पाठ्यक्रम शुरू करने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में फेरबदल करने की यह अनुमोदन देती है। यह सबसे बड़ी संस्था है जो भारत में टेक्निकल एजुकेशन को मैनेज करती है। इसका स्थापना नवंबर 1945 में हुआ था। वर्तमान समय में अनिल सहस्त्रबुद्धे इसके हेड है यानी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है।
अगली जानकारी तब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश तो लगातार जो चर्चा में बना रहता है, अभी मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बताऊंगा। कभी यहाँ पे मछली खोजी जाती है, जैसे पिछली बार जब मैंने अरुणाचल प्रदेश की न्यूज आपको बताई थी तो वहां पे एक मछली की नई प्रजाति खोजी गई थी। अभी वहां पर दो तिथियों की नई प्रजाति खोजी गई है, उनका नाम देख लेते हैं न्यूज पर, बस आपके नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। तो लेपिडो टेरिस्ट यानी कि लेपिडोप्टेरिस्ट जो होते हैं, जिनको पतंगे और तितलियों का अध्ययन करने में माहिर माना जाता है, इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एल्यूसिव प्रिंस नामक तितलियों की दो नई प्रजातियों की खोज की है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक को पहली बार जापान में खोजा गया था और एल्यूसिव प्रिंस को वियतनाम में खोजा गया था। सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के अनुसार दोनों नई प्रजातियों की खोज ने देश की तितली प्रजातियों की संख्या को अब 1327 तक बढ़ा दिया है। यानी कि भारत में कितने प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं, 1327 यानी कि 1327 प्रकार की तितलियां भारत में पाई जाती हैं। नाम जरूर याद रखिएगा, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक जापान में पहली बार खोजी गई थी, एल्यूसिव प्रिंस ये आपकी वियतनाम से आई, और लेपिडोप्टेरिस का मतलब ये होता है जो पतंगों और तितलियों का अध्ययन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अभी एक मतलब 19 जून की न्यूज थी है कि अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम रखा गया था सीजोथोरैक्स सिकुम सिरुम मेनिसिस। बड़ा अजीब सा नाम होता है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह पहला स्टेट बना जिसने IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्टिंग शुरू की ऑर्किड के लिए। रेड लिस्टिंग का मतलब यह होता है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी प्रजाति बचे रहने के कगार पे है, इसके बारे में प्रॉपर अध्ययन करना, और इसमें वो IUCN के सदस्यों की मदद कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 नए फ्रॉग स्पेसीज खोजे गए थे, यानी कि 3 मेढकों की नई प्रजाति खोजी गई थी अरुणाचल प्रदेश में। उनका नाम रखा गया था ल्यूराना इंडिका और ल्यूराना मिनुटा। ये आपकी मेढक की 3 प्रजातियां थी। जबकि अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू जी ने अभी हाल ही में वहां पर हंगपन दादा ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको वापस से इनॉग्रेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और यह पुल जो है यह सुबनसिरी नदी पर बना हुआ है। एक नया पिट वाइपर यानी कि सांप की नई प्रजाति की खोज हुई थी, उसका नाम रखा गया था हैरी पॉटर के करेक्टर के नाम पर। हैरी पॉटर सीरीज आपने देखी होगी, उसमें एक करेक्टर है सालजार पिट वाइटर रखा गया था, जो सालजार स्लाइथरिन के नाम पर रखा गया है। कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी ईटानगर है। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा, स्टेट एनिमल गायल, आप उसे गोवंश की प्रजाति का मान सकते हैं, गौर भी कह सकते हैं। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीट आपको अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलेगी। यही स्लाइड आपकी हिंदी में भी है। अगली जानकारी की तरफ चले। अगली जानकारी है इंडिया और बांग्लादेश में, अभी पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कि ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर वहां पर एक ज्वाइंट वेंचर बनने वाला है। साथ साथ सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो भी बांग्लादेश में आपका इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एक जल विद्युत परियोजना पे भी 2 कंपनियों के बीच में साझा हुआ है। अब भारत और बांग्लादेश द्वारा 50-50 यानी कि 50% जो है बांग्लादेश करेगा, 50% जो है वो भारत करेगा, और इसकी एक कंपनी बनाई गई है, ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई गई है, और उसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी में होना क्या है को बांग्लादेश में LPG व्यवसाय के लिए गठित किया गया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RR होल्डिंग लिमिटेड, रास अल खैमा UAE, बांग्लादेश की बेमेस्को LPG होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मध्यपुर FZE के बीच किए गए हैं। तो भारत और बांग्लादेश की कंपनियां मिलकर एक संयुक्त उद्यम बना रही हैं जो कि बांग्लादेश में LPG वितरित करेंगी। LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। संयुक्त उद्यम कंपनी बांग्लादेश में LPG के आयात की लागत जो है उसको कम करने में मदद करेगी, और करने के साथ साथ बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर LPG उपलब्ध कराएगी। इसका लक्ष्य LNG, पेट्रोकेमिकल जैसे अन्य जुड़े हुए व्यवसायों का विस्तार करना है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में पाइपलाइन के माध्यम से LPG निर्यात में भी शामिल हो। तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर वर्तमान समय में आपकी शेख हसीना है, जिनको अभी हाल ही में APJ अब्दुल कलाम शांति स्मृति पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। जबकि हम राजधानी की बात करें तो सभी को पता है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा यहां पर टका चलती है। अगली जानकारी तरफ चले तो ICMR देश की सर्वोच्च मेडिकल संस्था
समेत तीन संस्थानों को टीबी जो वो जांच करते थे उसको WHO का समर्थन मिला है। कहने का मतलब यह है कि टीबी की बात की जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा जो संक्रामक मरीज देखे जाते हैं वो टीबी के देखे जाते हैं, और 2018 की बात करें तो बहुत ज्यादा संख्या में भारत में टीबी के मरीज देखे गए थे। टीबी जिसे आप ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है, तपेदिक भी इसे कहा जाता है, ये एक संक्रामक रोग है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलती है। इसके जरिए ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और कई सारे काफी समय तक खांसी आना, कफ में खून आना इसके सामान्य लक्षण होते हैं, सीने में जलन होना, सीने में दर्द होना, ये सब सामान्य लक्षण होते हैं, फिर बुखार वगैरह। खासकर टीबी उन लोगों को परेशान करती है जो HIV या एड्स पीड़ित होते हैं, और ऐसे में उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से टीबी काफी जानलेवा हो जाती है। और अगर देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक संक्रामक रोगों में जो जानलेवा रोग है वो टीबी है। तो टीबी की जांच लगभग भारत ने जो लक्ष्य रखा है कि वो 2025 तक हर हाल में पूरे भारत को टीबी मुक्त बना देंगे, मतलब कि भारत में एक भी नया केस टीबी का नहीं आएगा, यहां पर टीबी के संक्रमण को जीरो कर दिया जाएगा। जबकि WHO का जो लक्ष्य है वो 2030 का है, WHO ने पूरे विश्व को 2030 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 है। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में जरूर आ सकती है। इसके बाद बात करें तो टीबी दो तरह की होती है, एक ऐसी टीबी होती है जिसे MDR टीबी भी कहते हैं, ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होती है जो टीबी की दूसरी स्टेज है, इसमें किसी भी दवा का कोई असर नहीं होता। वैसे टीबी की एक खास दवा है जो जनरली दी जाती है, उसका नाम है रिफेम्पिसिन। तो रिफेम्पिसिन की कितना कारगर है, किसके ऊपर कितना उसका असर हो रहा है, इसके लिए जांच की जाती है, और इस तरह की जांच को ट्रोंटो जांच कहा जाता है। ट्रोंटो जो जांच है ये ICMR कर रहा है, उसके अलावा दो और संस्थान है जो कर रहे हैं। तो WHO ने कहा कि आप जो जांच कर रहे हो वो एकदम सही तरीका है, टीबी की जांच ऐसे ही की जानी चाहिए, ये समर्थन मिला है भारतीय संस्थानों को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने और उसकी एक प्रमुख दवा कि प्रतिरोधक क्षमता की आकलन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR समेत तीन संस्थानों की तरफ से किए जा रहे जांच का समर्थन किया है। मतलब ये जो तीन संस्थान जांच कर रहे हैं वो एकदम करेक्ट है। ICMR के अतिरिक्त अन्य दो संस्थान हैं फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक एंड मोलबियो डायग्नोस्टिक। ट्रुवेंट एक नई तरह की जांच प्रक्रिया है, इसमें तेजी से ट्यूबरकुलोसिस और रिफेम्पिसिन प्रतिरोधक क्षमता की पहचान की जाती है। इसमें सभी तीन तरह की जांच के नतीजे आधे घंटे से भी कम समय में आ जाते हैं। गौरतलब है कि टीबी का पता लगाने के लिए तीन तरह की जांच की जाती है, जिसमें ट्रुएंट MTB, ट्रुएंट MTB प्लस और ट्रुएंट MTB RIFDX शामिल है, RIFDX। इससे पहले की दो जांचों से टीबी के बैक्टीरिया का पता चलता है कि उसका संक्रमण किस तरीके का है और कितना हद तक वो फैल चुका है, जबकि तीसरी जांच से यह पता चलता है कि अगर इस मरीज को रिफेम्पिसिन दी जाएगी तो उसके ऊपर कितना कारगर होगी। वर्ल्ड टीबी डे की बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे पूरे विश्व में टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही इट्स टाइम टू एंड टीबी, ये इसकी पूरी कंप्लीट थीम नहीं, 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। अगली जानकारी पर चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल कोचिंगें बंद हैं, कोचिंग बंद हो जाने की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई वगैरह है वो रुक गई है। जैसा कि अभी कल मैं देख रहा था वहां पर MHRD मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि जो इस बार नीट और JEE की परीक्षा है उसको थोड़ा सा टाल देंगे, सितंबर में उस परीक्षा को करेंगे। तो कोरोना वायरस के दौरान एक ऐसी नई चीज सामने आई है कि कैसे बच्चों को घर बैठे पढ़ाया जाए। तो IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है, एक सेटअप होगा जो घर से ही लोगों को पढ़ाने में मदद करेगा और पढ़ने में भी मदद करेगा। इसका नाम रखा गया है मोबाइल मास्टर जी। इससे भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है। यह उत्पाद काफी हल्का है, जिससे बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की पूरी सुविधा की गई है। और इस तरह का जो ऐप डेवलपमेंट है या जो पूरा पोर्टल आपका डेवलपमेंट किया, जो सेटअप डेवलप किया गया है वो मोबाइल मास्टर जी नाम का किसने डेवलप किया है, IIT कानपुर ने। अगली जानकारी तक चलते हैं। NHAI से बारे में बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो हेड रहे हैं अभी तक थे अध्यक्ष सुबीर सिंह संधू जी, उनका कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी कार्यकाल बढ़ाने से याद आया कि KK वेणुगोपाल राव जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल है उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए राष्ट्रपति जी ने बढ़ा दिया है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष रूप में कार्यभार संभाला था, तो अब उनका कार्यभार थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा।
अगली जानकारी है, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह ऐसा माना जा रहा है कि देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनके मतभेद सामने आ रहे हैं। दोहरा सरकार में जो फेरबदल की संभावना हो रही थी उसमें वो अपना पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे और इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा कि पद खुद छोड़ने से अच्छा है कि कोई आपको इस पद से स्थगित करे। ये मामला था। तो यह फेरबदल ऐसे समय में किया जाएगा जब कुछ दिन पहले स्थानीय चुनावों में मैक्रों की पार्टी को फ्रांस के बड़े शहरों में हार का सामना करना पड़ा है और इमैनुअल मैक्रों का जो प्रभाव है वो फ्रांस में कम होता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने कार्यकाल के अंतिम 2 साल में कोरोना वायरस से संकट से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है और ऐसे में उनके मतभेद सामने आए देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप से, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब बारी है आज के न्यूज फटाफट की। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेटेड ऑन 4 जुलाई। सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन हर साल मनाया जाता है जो सहकारिता को बढ़ावा देता है। सहकारी समितियां क्या होती हैं? सहकारी समिति किसी लोकल लेवल पर किसी ग्रुप द्वारा बनाई गई ऐसी समितियां होती हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, यानी कि उसमें सबका पैसे फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन जैसे मान लीजिए आपके यहां बारिश में पानी बहुत भर जाता है तो आप सबने मिलकर एक कमेटी बना ली और उसको अगर गवर्नमेंट द्वारा यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई तो आपकी जो कमेटी होगी वो सहकारी समिति होगी कि आपके जो पानी भर जाता है आप सब लोग श्रमदान करेंगे और वो पानी जो भरना है उसको रोक देंगे। तो एक बेसिक सा जो फंडामेंटल है सहकारी, मतलब एक साथ मिलकर काम करने की जो मनसा होती है, एक साथ काम करने की जो इच्छा होती है वो सहकारी समिति के रूप में दृष्टिगोचर होती है, वो सहकारी समिति के रूप में सामने आती है। तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। इस वर्ष 2020 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित हुए करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए #COPs4ClimateAction मुहिम भी चला रही है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल मनाया जाता है। तो इस बार यह 4 जुलाई को मनाया गया है। ध्यान रखिएगा हर साल ये पहले जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। स्ट्राइड हेयर स्ट्रीक और एलिशियो प्रिंस किस प्राणी की हाल में खोजी गई प्रजाति हैं? ये तितली की 2 प्रजातियां हैं जिनको अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ये जापान से आई है और ये आपका वियतनाम से है। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन की शुरुआत किसने की है? तो ये मिलकर कई सारी संस्थाओं ने की है जिसमें MHRD है, AICTE है और CSIR है। भारत और बांग्लादेश द्वारा 50-50 की यानी कि 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जा रही है और इसके लिए LPG वितरण और LPG का आयात शुल्क है उसको कम करने के लिए विचार किया जाएगा। WHO ने टीवी की प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने और उसकी प्रमुख दवा के प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए कितने संस्थानों की तरफ से किए जा रहे हैं जांच का समर्थन किया है? तो वो है 3 संस्थान, उसमें ICMR है और 2 संस्थान और है। हाल ही में इसरो के एक मिशन ने किस ग्रह के नजदीकी चंद्रमा की तस्वीर खींची है? तो मंगल ग्रह के नजदीकी चंद्रमा फोबोस की तस्वीर खींची गई है। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया? एडवर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार और इस बार ये मनाया गया है 4 जुलाई को। NHAI के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल विस्तार मिला है? वह है सुखबीर सिंह संधू, जिन्हें 6 महीने का कार्यकाल विस्तार दिया गया है। किस संस्थान ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो वह है IIT कानपुर। अब बारी है आज के क्विज की। ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन की शुरुआत किसने की है? तो ये आपका किया है ऑल ऑफ द अबव। स्ट्राइप हेयर स्ट्रिक्ट और एलिशियो प्रिंस नामक किस प्राणी की हाल ही में प्रजाति खोजी गई है? तो ये बटरफ्लाई की प्रजाति है जो कि अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। भारत और किस देश द्वारा 50-50 संयुक्त उद्यम एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जा रहा है, कंपनी बना रहे हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। WHO ने टीबी का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए उसकी एक प्रमुख दवा की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए कितने संस्थानों की तरफ से किए जा रहे जांच का समर्थन किया है? तो ICMR सहित 2 संस्थानों द्वारा किए जा रही ट्रूएंट जांच को WHO ने समर्थन किया है कि ये जो जांच है ये एकदम सटीक तरीके से की जा रही है। हाल ही में इसरो के एक मिशन ने किस ग्रह के नजदीक सबसे बड़े चंद्रमा की खोज की है? तो वह है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहा गया। तो इसने सबसे नजदीक चंद्रमा फोबोस की तस्वीर खींची मंगल ग्रह के। किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है फ्रांस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 1st Saturday of July। NHAI के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है सुखबीर सिंह संधू। कंफ्यूज मत होइएगा, सुखबीर सिंह संधू NHAI के हेड है जबकि तरनजीत सिंह सिंधु जो है
वो आपके अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी के जगह पर। किस संस्थान ने एक घर से एक अच्छा टीचिंग सेटअप यानी कि एक होम टू क्लासरूम टीचिंग सेटअप शुरू किया है, तो वो है आपका IIT कानपुर। और इससे बच्चे जो घर पे हैं लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए हैं, जो प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो ले पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।